राम राम सर। मैं फोन पे को नहीं बोल सकूं तो वीडियो बना के भेज रहे। नहीं, डरने की कोई बात नहीं, सब ठीक है। अटे अटे गांव में हूँ, नागौर में। आज 5 दिन हो गए मुंबई से आ गया इधर पुरानी इंदौली। ओ थोड़ा डर लग गया। 22 तारीख को कर्फ्यू के बाद अचानक ऐसा लग वाला कि खाएंगे क्या, काम तो पहले ही बंद हो गया, काम नहीं तो पैसा भी। कैसा है आप शहर में पसीना बहाते हो, मेहनत मजदूरी करते हो, छोटी मोटी क्यों ना हो चीजें बनाते हो, शहर बनाते हो, लेकिन संकट के समय में शहर आपको सबसे पहले लात मारते हैं। गांव में कम से कम खाने को तो है, छोटो खेत। शहर की बात है, बिना काम के शहर आप लोग को नहीं। पर तुम चिंता ना करो, मैं 14 दिन तक अलग रह सकूं। तो बाड़े वाले कमरे में अकेलो, तो खाना बाहर रख देते। थोड़ा डर लग रहा, सुबह से गड़ो गला में दर्द है, खांसी को नहीं है, गला दुख रहा है। दो छोटे बच्चे और आज तो बस ये प्रे कर रही हूँ कि बस मुझे केबिन में बैठने को मिल जाए। ब्रांच मैनेजर भी नहीं आ रहे हैं, मेरा कस्टमर्स के साथ भी कुछ इंटरेक्शन नहीं है। आई होप यार, आई होप आज मुझे केबिन में बैठने को मिल जाए अकेले। थोड़ा तो सोशल डिस्टेंसिंग होगा। चलो बाय पापा। साला हाथ सैनिटाइज कर करके पपड़ी हो गए, पर अच्छा है यही टाइम मिल जाता है खुद से बात करने को, वरना घर पे पापा। कभी कभी सोचती हूँ यार पापा दिल्ली में ही रह गए होते तो कितना अच्छा होता, मैं एटलीस्ट यहाँ पर अच्छे से चिल तो कर पाती। पर नहीं यार, अच्छा हो यहीं पर है तो अलग टेंशन लगी रहती। ऑटो 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 ऑटो, रुको 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 रुको। कबूतरों की मौज हो गई है, आके बैठे रहते हैं। माय इंस्टाग्राम पिक्चर्स हैव बीन सो पॉपुलर। लोगों को क्या लगता है ना कि मैं ना बाहर जाके चिल कर रही हूँ, वो अंदर घर पे लॉक्ड है एंड आई एम आउट लाइक दिस बिकॉज आई वर्क इन अ बैंक। बट ये कैसा फ्रीडम है जब बाकी सब लोग घर पर लॉक्ड हों और आप लोग बाहर हों।
दोस्तों कैसे चल रहा है लॉकडाउन? दोस्तों मेरा इंटरनेट बहुत ही स्लो चल रहा है, तो मैं हर रोज आप लोगों से वीडियो चैट नहीं कर पाऊंगा। तो मैं सोच रहा था कि हर रोज एक वीडियो बना के अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट कर दूं। पता है ना, दिमाग का लॉकडाउन नहीं हुआ है। अरे यार, ये खराश बिना रुक ही नहीं रही है। नहीं नहीं नहीं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। दवाइयाँ ले रहा हो, गार्गलिंग कर रहा हो। हाँ, तुम क्या कह रहे थे योगेश उस दिन कि हम घर में बैठ के क्या कर सकते हैं? हाँ यार, तुम्हारी बात भी बिल्कुल एकदम सही है। हम घर में बैठ के कर भी क्या सकते हैं? हमारा तो पूरा काम दिन भर बाहर का है। लोगों से मिलना है, कला के माध्यम से लोगों से बातचीत करनी है, उनसे डायलॉग करने हैं। गाने की बात हुई, नाटक की बात हुई, लेकिन ये सब तो अब तो नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि हम घर में बैठ के और कुछ अलग कर सकते हैं। जैसे कि हमें ना टेक्नोलॉजी समझ लेनी चाहिए। जब भी टेक्नोलॉजी की बात आती है तो हमें फेसबुक और यूट्यूब इतना ही पता है। तो मुझे लगता है कि हमें इंस्टाग्राम अकाउंट खोल लेना चाहिए सबने। और फिर कुछ एक दो ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में भी मुझे पता चला है। तो वो हैशटैग कैसे लगाना है, अपने फॉलोअर्स कैसे बढ़ाने हैं, ये सब सब सीख लेना है दोस्तों। ये टाइम ना मुझे लगता है स्ट्रैटेजी बनाने का टाइम है एकदम। हाँ स्वप्निल, मैं तुम्हें कुछ लिख के भेजता हूँ, कविता लिख के भेजता हूँ। फिर 8 दिन में एक कविता बनाते हैं और उसको कॉम्पोजिशन भी शुरू कर देते हैं। तो 8 दिन में एक ऐसा करके हम बैंक बना लेते हैं। यार जरा रेस्ट करता हूँ। पांच लोगों का एक टाइम का खाना बनाने में कितना चपाती बनाना पड़ता है मालूम? 16। पर आज मैं सबको लाइन पे लेके आई, सब काम डिवाइड कर दिया मैंने। आयुष के बाबा को बोला आप बर्तन साफ करो, उन्होंने किए। सासू ससुर ने भी बेचारों ने हेल्प किया, और आयुष ने पुदीना साफ किया पूरा एक जुड़ी। आज मैंने सबको बोल दिया दोपहर का 1 घंटा मैं देवघर में बैठ के पढ़ूंगी या फिर सोऊंगी या कुछ भी करूंगी, लेकिन वो 1 घंटा मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करने का करके। नहीं मतलब ऐसा कोई टेंशन नहीं है, लेकिन लगता ही है ना कि कब तक चलेगा ये सब। अब ऐसे घर में कैसे बैठे रहने का ना। आयुष के बाबा का डबिंग बंद, मेरा मराठी का ट्यूशन बंद, थिएटर का काम बंद, सब बंद। अभी नौकरी वालों का कैसा है कि चल जाता है, उनका कैसा कि नौकरी है, हमारे जैसों का क्या होगा। अभी 2 महीने का राशन है, आयुष का स्कूल भी महंगा है ना, अभी पहले का 10,000 भी देना बाकी है। अभी के लिए तो ठीक है, चल रहा है क्या एक एक दिन गुजारने का, है ना। आयुष का ना चिंता लगता है, लेकिन मतलब अभी इतने दिन इतना छोटे बच्चे को घर पे बंद करके रखने का अच्छा नहीं लगता, एकदम खराब लगता है। अभी तुम कैसे बचपन में घूमते रहता था ना, ऐसे मस्करी गम्मत करते रहता था, यहाँ से माखन चुराया, इधर से ऐसे गड़ियार लोग के साथ पूरा दिन भर मस्ती की। बचपन में ना ऐसा होना मांगता। मेरे आयुष को ना खुली हवा में ऐसे मस्त खेलने को मिलना चाहिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
आयुष एकता झाला का अजून नाही की नाही मग आई वाचते अजून टेस्ट के रिजल्ट अब आने वाले बस एनी टाइम नहीं नहीं दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं डॉक्टर ने कहा है कि घबराने की कोई बात नहीं अगर हो भी जाता है तो भी और डॉक्टर ने यह भी कहा है कि यंग ह्यूमन फाइट कर लेता है तो फाइट की तो हमें आदत ही है क्रांतिकारी जो ठहरे हाँ एक अच्छी बात है कि घर पे अकेला हूं ज्योति और दिया गई है औरंगाबाद स्वप्निल कविता लिख दिया दोस्त नागार्जुन की कविता से इंस्पायर्ड है 21 दिन 20 रात उन्हीं का फोन आ रहा है शायद हा? राम राम सर बड़ी खुशी की बात है गड़ों को दर्द जातो रहे गड़ों में कोई दर्द नहीं अब अच्छा लग रहा है तो चलो कोई बीमारी तो नहीं है आप लोग सुबह सुबह खेत पर चला गया 8:30 दिन भर उधर ही था अब धंधो वालों आदमी हूँ काम पर जाके अच्छो तो लगे पर धूप बहुत कड़क राजस्थान की धूप में तो कोई भी कीटाणु मर जाए तो चलो आज तुमको पूरा पूरा ब्यौरा सुनाओ 22 को कर्फ्यू लगा तो अपने दोस्तों को वर्कर लोगों को बोला कि भाई ये जगह तो कोई नहीं आप यहाँ से जाना पड़ा वो तो धंधे का 4 बाइक था हमारे कने एक पर मैं और भाई बाकी 3 बाइक पर 5 मजदूर होली अकेलो एक बाइक पर और ऐसे बाइक वाले कुछ 15 दोस्त मिलकर हम लोग अगले दिन सुबह खा पी के निकल पड़े 2 दिन और 1 रात चलते रहे बगैर रुके बाइक पर चलते रहे भाई डर लगे ना तो नींद को नहीं आवेगा 24 को लॉकडाउन हुआ तो 12 बजे के पहला MP बॉर्डर क्रॉस करके राजस्थान पहुंच गया और सुबह 6 बजे पहुंच गया अजमेर बटे माने पुलिस पकड़ो कुछ नहीं ताप लियो पूछताछ की बोले जाओ फिर कटे रुके नहीं सीधे पहुंच गए आपड़ो गांव लोग कैसे डरे हो है ना इतनी सिंपल सी क्वेरी थी उस बूढ़ी आंटी की कि अकाउंट में पैसे आए कि नहीं उनको भी घुमा दिया बोला कंसर्न्ड ऑफिसर ने या कल आना कितना सिंपल काम था बस अकाउंट में चेक करना था कि बैलेंस है कि नहीं पर अब मैं भी क्या बोल सकती हूँ यार मेरी तो ब्रांच भी नहीं है और फिर मैं सोशल डिस्टेंसिंग भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है पर अजीब लगता है यार लोग कैसे रिक्वेस्ट करते रहते हैं मुझे तो लगता है वो खुश है कि एटलीस्ट बैंक खुली तो है अरे भैया हमको क्या पता हम भी एक न्यूज सुनते हैं फिर दूसरी न्यूज सुनते हैं करेक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है वो किसी को पता नहीं है क्या अच्छा क्वारंटाइन भैया मैंने खुद 15 दिन पहले गूगल किया है क्वारंटाइन क्या होता है घर पे बैठ के पागल हो जाए यार इंसान डैडी बोलते शादी कर लो शादी कर लो शादी कर लो थैंक गॉड यार आई हैव एन ऑफिस टू गो आयुष जब मेरे को हुआ था ना तो मैंने अपने आप से एक प्रॉमिस किया था भले ही मैं इस बच्चे को और कुछ न दे पाऊँ मतलब ऐसी कोई महंगी चीज या ऐसी कोई चीज जो मेरे बस के बाहर हो लेकिन एक चीज है
जो मैं इसको जरूर दूंगी। ये मेरे को जो भी सवाल पूछेगा ना, मैं उसे उसका जवाब दूंगी। मतलब मेरे को नहीं पता होगा ना तो मैं पूछ के दूंगी, पढ़ के दूंगी, लेकिन दूंगी। आज पता है आयुष अचानक से क्या बोला? पूछता है, आई हम सब मर जाएंगे क्या? फिर थोड़ी देर में पता है क्या बोला? हम नहीं मरेंगे आई, हमारे अंदर की बैड चीजें मर जाएंगी। आई नो बाहर जाना है इस रिस्की, मैं बीमार हो गई तो पूरी जिंदगी बदल जाएगी। तो मैं सोचती हूँ कि यार मेरी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, बैंक का ब्रांच भी पास में है। एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड दिस। मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं कर सकती हूँ। आज दमालू बनाऊंगी पापा के लिए। कश्मीर की याद आ गई। कश्मीरी हूँ यार मैं। रिपोर्ट पॉजिटिव है दोस्तों। क्वारंटाइन लेके जा रहे हैं अभी 5 मिनट में। स्वप्निल कविता भेज रहा हूं दोस्त, कंपोज कर लेना। इक्कीस दिन 20 रात। मत करना तुम मन की बात। 21 दिन 20 रात। अफवाहों के बैठो साथ। 21 दिन 20 रात। चौपट है सब काम काज। 21 दिन 20 रात। कुत्ते पंछी बेलिहाज। 21 दिन 20 रात। अन्न देवता करे बवाल। 21 दिन 20 रात। वर्दी डंडा चलाते चाल। 21 दिन 20 रात। लोकतंत्र के लोक उदास। 21 दिन 20 रात। नागार्जुन को आए खास। 21 दिन 20 रात। दोस्ती जिंदाबाद।